फ्रेंड्स, लाइव विद जॉश में आपका स्वागत है। मैं हूँ रॉबी और आज हम फिंटो बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। पहले हम लोग फिंटो बॉक्स को देख लेते हैं। इस बार इसकी थीम है वन विद लाइट्स। लाइव विद रोश में आपका स्वागत है। मैं हूँ रॉबी। मैं हूँ कविता। और आज हम लोग आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने आए हैं। इम्पोर्टेंट तो सभी बच्चों के लिए है। क्यों? बिकॉज समर वेकेशन जो है वो शुरू होने वाली हैं और अब बाहर धूप भी बढ़ गई है और हम लोग हर टाइम बाहर खेलने नहीं जा सकते। क्यों? हाँ जी। तो घर पर बच्चों को बिजी रखने के लिए हम क्या लेकर आए हैं? फ्रिंटो बॉक्स। यस, तो इस बार का प्रिंटो बॉक्स है वो अनबॉक्स करने वाले हैं। थीम है फन विद लाइट्स। तो पहले प्रिंटो बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं बिकॉज रॉबी बहुत एक्साइटेड है उसे अनबॉक्स करने के लिए। उसका बॉक्स टाइमली आ गया था लेकिन एग्जाम्स की वजह से वो इसे ओपन नहीं कर पाया। सो इसे अनबॉक्स करेंगे पहले और फिर उसके बाद में आपको प्रिंटो बॉक्स की सारी डिटेल्स इस वीडियो के एंड में दे देती हूं। चलिए पहले हम लोग प्रिंटो बॉक्स तो देख लेते हैं। प्रिंटो बॉक्स की पैकिंग ऐसी होती है और इसमें यहाँ पर एज ग्रुप भी लिखा होता है, जैसे 6 to 8। जी हाँ, ये बॉक्स है 6 to 8 इयर्स के लिए और इसकी थीम है फन विद लाइट्स। सो बॉक्स को प्लीज ओपन कीजिए। सो बॉक्स ओपन करते ही ऐसे हमें देखने को मिलता है, इसमें से एक पैम्फलेट निकलता है पहले जिसपे थीम लिखी रहती है। लोग इसकी थीम देख लेते हैं। फेरी लैंप, लाइट आर्ट, शैडो थिएटर और फोर्थ है अ टेल इन द डार्क। तो हर प्रिंटो बॉक्स में एक स्टोरी बुक होती है, दिखा दीजिए। इसमें भी एक स्टोरी बुक है। अब हम लोग इसकी स्टोरी बुक देख लेते हैं। प्रिंटो बॉक्स में हर मंथ एक स्टोरी बुक आती है जो कि आपके बच्चों की रीडिंग कैपेबिलिटी को काफी एनहांस करती है। तो इस बार की जो स्टोरी है वो है अ टेल इन द डार्क। ओके, तो ये हो गई इस बार की स्टोरी बुक। चलिए हम इसको अंदर से भी देख लेते हैं। एक वर्कशीट बुक। सो इस बार एक बहुत अच्छी वर्कशीट बुक दी गई है फन विद लाइट्स की थीम में। इसे ओपन करके दिखाओ। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, लाइक ट्रांसपेरेंट, ओपेक, शैडोज, रिफ्लेक्शन, फॉलो द सन और कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। टेक्स्ट दिया गया है, देन एक्टिविटीज दी गई है जो की बहुत नाइसली कंसेप्ट्स को क्लियर किया गया है, शेडो और लाइट से रिलेटेड कंसेप्ट्स को, जैसे शेडोज एंड रिफ्लेक्शन है। देन उसी के बेस आगे और एक्टिविटीज हैं, फॉलो द सन। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इस वर्कशीट में लाइट से रिलेटेड कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखते हैं और क्या है। पूरन जी, और क्या है रॉबी बॉक्स में? अगेन इस तरह की पैकेजिंग में जो एक्टिविटीज आती हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमने ऊपर लेबल्ड रहता है एक्टिविटी का नाम, लाइक फेरी लैम्प फर्स्ट एक्टिविटी, उसकी पैकेजिंग सेपरेट रहती है, हर एक्टिविटी सेपरेटली पैक्ड रहती है। सी, और इस बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है पुरंजय? फेरी लैम्प। अब हम इनको इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, ओह वाओ, सीम्स इंटरेस्टिंग। और इसमें चीजें देख लेते हैं। हाँ, हर एक्टिविटी में उसका पैम्फलेट दिया रहता है जिसमें उससे रिलेटेड क्या क्या सामान है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, लाइक हाउ टू डू, सब कुछ बहुत इजीली एक्सप्लेन पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत इजीली आप उसे कैरी आउट कर सकते हैं। इस तरह से हर एक्टिविटी और उसके पीछे मोर अबाउट द कंसेप्ट जो भी रहता है इनका एक्टिविटी का या थीम का, उसके बारे में और जानकारी पीछे दी होती है।
तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है फेरी लैम्प, जिसमें एक लैम्प बनाना है और ये उससे रिलेटेड एक्टिविटी का सामान। ये बहुत बेस्ट पार्ट रहता है, आप वीकली एक एक्टिविटी निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं और वो उसे एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से। पेरेंट जो हेल्प है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए रहती होती है, बहुत ही कम चाहिए। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, इसका नाम है लाइट आर्ट। सो सेकंड एक्टिविटी, ऊपर प्रॉपर लेबलिंग की गई है और इसके स्किल्स भी डिफाइंड रहते हैं कि इसमें फाइन मोटर, सेंसरी, क्रिएटिविटी, कौन कौन से स्किल्स इस एक्टिविटी में यूज होंगे। अब हम लोग इसकी वो पेपर निकाल लेते हैं जो इसमें पैम्फलेट, ही मीन टू से पैम्फलेट। शो टू लाइट आर्ट, दिस इज लाइट आर्ट। और अब इसका सामान देख लेते हैं। और इसके लास्ट में एक और बात, वाओ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एज इट हैज बैटरी एंड अ सर्किट हियर। ये तो मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस इज द बोर्ड एंड हियर इज द सैंड फॉर दिस एक्टिविटी, राइट? यस आई लाइक सैंड। या ही लव सैंड, क्ले, राइट? सो व्हाट्स द नेक्स्ट एक्टिविटी? अगली चीज है शैडो थिएटर, दैट इज द थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी है शैडो थिएटर और इसमें कौन से स्किल्स यूज हो रहे हैं? चलिए हम लोग अंदर डाल के। यस ही इज सो एक्साइटेड टू ओपन इट कि वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने दे रहा। स्टिल आई विल टेल यू, इसमें यूज हो रही है इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉजिकेशन, थ्री स्किल्स इसमें है वो यूज हो रहे हैं। ओके दिस इज द मटेरियल फॉर द एक्टिविटी। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग मैं क्यों नहीं हूँ कैमरा के सामने, बिकॉज रॉबी वॉन्ट्स टू शूट इट अलोन, ही वॉन्ट टू शो यू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। और ये देखो कितने छोटे छोटे हैं। यस तो ये भी मुझे लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है। इसमें एक टॉर्च भी है और कुछ बोर्ड्स हैं, ये वाले, एंड देयर इज अनदर बोर्ड विद सम कटआउट्स जो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। इनमें से जौन सी भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कमेंट करके बताइए। रॉबी आपको ये एक्टिविटी जरूर करके दिखाएगा, क्यों रॉबी? यस ये देखिए और भी सामान है। जी हाँ, और इसके साथ एक डिस्पोजेबल शीट भी आई है और ये सब सामान एक्टिविटी में यूज होने वाला है। सो फोर्थ एक्टिविटी, जैसे कि हमने बताया स्टोरी बुक रहती है। थैंक यू सो मच रॉबी फॉर अलाउइंग मी टू कम इन द वीडियो। सो फोर्थ एक्टिविटी, जैसे कि आपको पता है स्टोरी बुक रहती है जो रॉबी ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। तो फिर आज का प्रिंटर बॉक्स कैसा रहा? बड़ा अच्छा था, इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दे आर यूजिंग बैटरीज, दे आर यूजिंग टॉर्च और शेडो और लाइट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। जौन सी एक्टिविटी भी आप देखना चाहें नीचे कमेंट करके बताइए, रॉबी तो जरूर आपको वो एक्टिविटी करके दिखाएगा। लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट आई थी कि एक्टिविटी एक्सिक्यूट करके बताएं, सो दिस टाइम प्लीज टेल अस, सो वी विल परफॉर्म दैट एक्टिविटी फॉर यू। सो फ्लिंटो बॉक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फ्लिंटो बॉक्स जो है वो ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग विद द टॉर्च, सो लाइट इज ऑलवेज अ फैसिनेटिंग थिंग फॉर किड्स। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो फ्लिंटो बॉक्स जो है वो है एक एक्टिविटी किट जो हर मंथ एक नई थीम के साथ आता है। इसमें हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग थीम्स और अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं। द प्राइस ऑफ द बॉक्स इज डिपेंड्स अपॉन द सब्सक्रिप्शन यू टेक। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है। लाइक किसी मंथ आप किसी कारण नहीं लेना चाहते फ्लिंटो बॉक्स, आप उन्हें कन्वे कर सकते हैं, वो आपका जो बॉक्स है वो पोस्टपोन करके नेक्स्ट मंथ पे मतलब डिलीवर कर सकते हैं। मोर ओवर जो अब आज करंटली चल रहा है इस पे समर सेल चल रही है। जी हाँ, क्योंकि समर वेकेशन आने वाली हैं और आप अपने बच्चों को समर कैंप्स में डालेंगे, इवनिंग क्लासेस में डालेंगे, लेकिन बिकॉज बच्चे पूरा दिन घर में रहने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, एट लास्ट वो टीवी देखेंगे। तो प्लीज अवॉइड टू मच टीवी, देखो देखना तो उन्होंने है ये, लेकिन अवॉइड टू मच टीवी एंड इन्वॉल्व देम इन सम एक्टिविटीज लाइक फ्लिंटो बॉक्स। यू कैन
बाय दिस। ये मंथली हर एक अलग अलग थीम्स के साथ आता है और आप अपने बच्चे के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसे परचेज कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स और चाहिए जो मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया है अनबॉक्सिंग में, इसमें क्या क्या किस किस तरह से आता है, पैकेजिंग कैसी रहती है, काफी स्टर्डी रहती है, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था। क्योंकि कुछ भी नई चीज लेने से पहले वी जस्ट वॉन्ट अ रिव्यू फॉर दैट, सो हेयर इज द रिव्यू कि आप लोग बिल्कुल फ्लिंटर बॉक्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए, उन्हें एंगेज करने के लिए, प्लस उनका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, उनके स्किल्स को एनहांस करने के लिए फ्लिंटर बॉक्स इज अ गुड ऑप्शन। बाकी सारी डिटेल्स में हम उसमें डाल देंगे कम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो पुरंजय सहगल, थैंक यू सो मच फॉर अनबॉक्सिंग द वीडियो फॉर अस, राइट? और इसी के साथ अब हम कहते हैं बाय। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज क्या करें, कमेंट, यस कमेंट करें, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। सो विद दिस लेट्स से बाय बाय एंड सी यू इन अनदर वीडियो।